एगो मायके एगो बाबू के दिल तोड़ूंगा या टूट भी जाए गलती से तो जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये उम्र होता है, हर कुछ का उम्र होता है। भाई का उम्र होता है, बहन का उम्र होता है, माई का उम्र होता है, बाबू का उम्र होता है निभाने का, सब कुछ सब निभाता है। लेकिन एक ऐसा उम्र होता है, एक ऐसा उम्र होता है जो सातों जन्म निभाना पड़ता है। तो मैं सबसे लड़ूंगा और सबसे जीतूंगा, लेकिन ये भी कहूंगा कि एगो माई के एगो बाबू को दिल तोड़ूंगा तो मैं लाखों और करोड़ों माई बाबू के दिल के ऊपर राज करूंगा। क्योंकि एक रिश्ता ऐसा होता है, सब रिश्ता सब जैसा होता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो सातों जन्म सात फेरे का होता है। वो अगर जिसने तोड़ दिया तो गया बंदा बर्बाद होना, सफलता का बदला बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि उंगली पकड़ा हूँ, हाथ पकड़ा हूँ किसी का, तो जब सातों जन्म के लिए पकड़ा हूँ। रोड थोड़ी ना भाईजान क्रॉस करना है यार, उधर रोड है वो देखो, रोड हमको थोड़ी ना पार करनी है किसी के साथ, किसी का हाथ पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ के जब तक जिंदगी है तब तक हाथ पकड़ के उसकी जिंदगी पार करनी है। रोड सड़क नहीं पार करनी है हमको, समझे? हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ हर उम्र होता है हर कुछ का निभाने का करने का। अब एक ऐसा उम्र आ गया है कि सातों जन्म के धागे में बंध कर वो हो गया है, ठीक है ना? और दुनिया तो साला ताना मारवे करती है, खाना थोड़ी ना हमारे घर का देता है या हमें देता है या हमारे बच्चे को या हमारे बीबी को देता है। दुनिया तो साला ऐसे ही ताना मारेगा, मारने दो, बोलता है बोलने दो, भूखता है भूखने दो, हमको घंटा ना फर्क पड़ेगा, हम अपना मन के मालिक हैं, समझा? हाँ, जय हिंद।